ये लेक है। और हम अपने ट्रैक से वापस जाते हुए डेस्टिनेशन से, बहुत ही सुंदर जगह है। आप इस जगह के बारे में कुछ कहना चाहेंगी थी? बहुत टफ था आना, पर आ गए तो अल्टीमेट है। 10 किलोमीटर का ट्रैक गजब था। आइए चलते हैं वापस बैक टू होम। पहले ये देख लीजिए मैंने क्या पहना है, मैंने पता नहीं क्या क्या पहन लिया। इतना सारा सामान लेके चल रहा हूँ, वो है इस टेंपल और लेक का एंट्रेंस। बहुत सुंदर है, हाँ मतलब आप नेकेड आई से बर्फ़ को देखोगे तो आपकी आंखें चुनी आ जाएंगी, सो शाइनी। अब तो धूप निकल ही रही है तो मुझे लगा तो फिसलन भी हो रही थी है ना। बहुत अप एंड डाउन है इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ देखिए बर्फ़ पिघल गई यहाँ की, फोन अंदर है यार सॉरी। और मैंने यहाँ पे एक जानवर भी देखा था जिसकी चौड़ी सी पूंछ होती है ना, क्या बोलते हैं एम से उसको, और हम गेट के पास पहुंचने वाले हैं। सुबह हम ऊपर तक गए थे, वहां भी गए थे, हैं? पीछे जाओगी तो कैसे लूंगा, गेट पे आओ, गेट पे लेता हूँ। और हम गेट पे आ गए हैं, ये देखिए गेट से जो व्यू दिखता है, टेंपल, लेक, ऊपर हर तरफ स्नो ही स्नो, बेहतरीन। जैसा मैंने पहले अभी दिखाया था पहले वीडियो में, स्नो बहुत ज़्यादा टाइट है, पत्थर फेंकने से भी नहीं टूट रही है। आइए पहले एक बार टेंपल पे घंटी बजा लें।
जय नाग देवता, जय विष्णु भगवान। अभी हमारी दीदी आती हुई दिखाई देंगी आपको, पूरे पर नाग बने हुए हैं, देखिए दोनों तरफ ऊपर भी हैं। ये महारानी ताल, सामने मंदिर नाग देवता का और सामने माउंटेन्स स्नो पीक, पीछे भी थोड़ा स्नो स्नो है। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो नाग देवता महाराज की जय। ये देखिए हमारी दीदी इतनी मेहनत करवाती है सर से, इतनी दूर भेजा सर को कि हमारा फोटो खींचो पहले। फंस रहे हैं पैर तो बहुत। जो हम कल आए थे वो रास्ता कहाँ गया? पैर भी गायब हो गया यार। इधर से आओ फिर। ओह चल 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 आगे चलो, ऊपर आना ना। ऊपर नहीं 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 तक जाओगे नहीं, फिर ये स्नो से तो बचेंगे। स्लिपरी हो गया है सारा। स्नो मेल्ट हो गया ना इसलिए। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर। जहां तक नजर जा रही है बस स्नो ही स्नो। चला दे यार। हम बिल्कुल स्नो में चल रहे हैं इस समय। और ये देखिए शशि और माधवन सर आते हुए, और हमारा शेरू भी पीछे पीछे है। वो हमारे साथ ही गया था और हमारे साथ ही आ रहा है। तो डे आफ्टर टुमारो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हमारे अलावा कोई है ही नहीं। क्रिस्टल है कितनी चमक रही है। देखिए नीचे, वाओ। सबसे पहले हम ही लोग आए हैं यहाँ पे कल,
इससे पहले कोई नहीं आया विंटर ट्रैक करने इसका, हमें बहुत ऊपर जाना है। चलिए चलते हैं। अब आ तो आगे आगे तो आ, सर भी दिखेंगे। हाँ सर, हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। चलो शशि और राघवन सर, अब पता नहीं ये व्यूज कभी और मिलेंगे कि नहीं। शेरू मेरे साथ, मुझे छोड़कर नहीं गया, ये मेरे साथ ही साथ है। देखिए ये लेयर दिख रही है स्नो की, आई थिंक दिख रही होंगी, इतनी इतनी स्नो है, 4 फीट तो होगी, 4 फीट से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा हो सकती है। ये ग्लेशियर बन गए हैं यहाँ पे, रोल हो के बर्फ, देखिए कितनी फुट बर्फ है। स्नो पीक माउंटेन, मैं हार जाऊं ते। बेलधार जो बर्फ गिरी हुई है आगे, ये टॉप जो है आपका कुछ कल्याणी एरिया है, पीछे बहुत बड़ा वो ग्याल है, ये सामने क्यारकी है एरिया है, क्यारकी यहाँ ताल भी है एक, वो पीछे गंगोत्री 1-2 दिख रही है लास्ट में, और एक्सट्रीम राइट में जो है सहस्त्रु है। गंगोत्री कौन सी? वो बादल के नीचे, ये पूरा रिज बैक साइड में रिज जो आ रहा ना एक्सट्रीम एंड, वो वाला फ्रंट रिज के बैग में ऊंचा रिज हुआ है वो गंगोत्री 1-2 है। केदार कांटा कौन सा है? ये बुग्याल है जिसमें हम अभी आए हैं, चारों तरफ स्नो स्नो, सामने पीक्स गंगोत्री। एक मिनट उधर मोड़ो,
दाम है मैडम, कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा लेग पुलिंग हो रहा है आपका। ज्यादा प्यार भी तो करते हैं, वरना कौन लेके आएगा मुसीबत को गले मार। गणेश टॉप है ये, और ये ग्लेशियर। अरे नहीं, सब गया मेरा, ले ले मेरे को, ले लेना। क्या पागल लड़की हूँ मैं। स्नो पीक खत्म होते हैं यहाँ से, यहाँ से स्नो अब थोड़ी थोड़ी मिलेगी बस। अब यहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक रह गया हमारा, 2-3 किलोमीटर का वो स्नो वाला था वो हमने कवर कर लिया। अब ये बस इस तरीके का ट्रैक, कच्ची गीली मिट्टी और बोल्डर्स पर उतरना है। चढ़ने के अपने अलग कष्ट होते हैं, सांस फूलती है, चढ़ नहीं पाते हैं, और उतरने में दोनों पैर के पंजे घुटने इनकी बैंड बच जाती है। अब ऐसे लास्ट स्नो मिल रहा है हम लोगों को, शायद अब नहीं मिलेगा इसके बाद। चलिए, बहुत स्नो हो गया, काफ़ी स्नो लिया और इसी पर से आना है। हाँ वो ये सर, नीचे शशि है, दिख रहा है शशि, आ जाओ। हाँ हाँ आइए, नहीं नहीं ये शशि म्यूजिक का मजा तू ही ले रहा है, हम यहाँ पे ऐसे आ रहे बोर होके हुए। इधर से आओ सर, इधर से यहाँ पे रुके थे हम लोग, अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय पी। यहाँ पे लोगों ने चाय बनाई थी हमारे लिए, ये भी अच्छा भुग्याल है शेरू। ऊपर और क्या, इधर से तो जाएंगे ऊपर से, ये है ना ट्रैक। कुछ अच्छा लगा भाई, तो
अरे यार ये कोई कहना पकड़ू क्या तू देख लेना कुछ रह तो नहीं गया ये हम लौटते हुए लौटते समय भी मौसम खुला हुआ है पर कल है सुनने में आ रहा है कल बारिश होगी तो हम लोग आज ही से फिनिश कर लेंगे ट्रैक को ये हमारा ट्रैक अब थोड़ा सिंपल आ गया है अब रॉक्स ख़त्म हो गई हैं मेनली ये रोडोडेंड्रॉन खिले हुए हैं दिख रहे होंगे ये वैली ये हमारा ट्रैक उतरते हुए अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया डिसेंडिंग हमारा वाओ जियो के सिग्नल आ गए यहाँ पे सोचा नहीं था ये रोड पे ट्रेल पे कहाँ नहीं सर जाना है लिस्ट में किधर है यही तो है वो जहाँ पहले रुके थे जहाँ कीवी खाई थी वो ही है क्या ये कोई ट्रेल नहीं है बस ऐसे उतरते जाओ नीचे यहीं पे शायद हमने बैठ के कीवी खाई थी आते समय यहाँ गलत सही कुछ पता ही नहीं है छोटी छोटी गाय यहाँ पर
अब यहाँ से हमें गाय मिलनी शुरू हो गई, इसका मतलब हम करीब हैं, गांव के करीब आ गए। क्या चल रहा है भाई? जैसे हम भी सरोवर से उतरते हैं। समझ में नहीं आ रहा चढ़े कैसे थे, उतरने में आफत आ गई। वैसे हमेशा मेरे लिए उतरना आसान होता है, चढ़ना थोड़ा टफ। इतना वजन लेके चढ़ना आसान नहीं है। हाँ, और कोई रास्ता दिख रहा है तुझे? बुगिया लग गया, एक और बुगिया लग गया छोटा सा। बैठो थोड़ी देर, बैठना बैठो पर जूता मत। आगे ने वाली गांव में खड़े आ गए। हां बड़ा वाला पहुंच गया। मेनू सोने ना देवेरी रातां नूट। ये वही वाला मंदिर आ गया जहाँ मत्था टेक के गए थे। ट्रैक पूरा करा देना, करा दिया सच सलामत। चलिए जी, आप पैसे निकाल दिए पीछे बस खुले पैसे। ये डॉगी हमारे साथ साथ आ रहा है नीचे से और शायद ऊपर तक। हम वापस आ गए हैं डिसेंड करते हुए ट्रैक से। इस समय बज रहे हैं 4, है ना, 4 बजे उतर है। 11 बजे शुरू किया था ट्रैक। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है और ये वही लेक 360 व्यू हटो सामने से। बहुत ही ब्यूटीफुल। अपने इस ट्रिप के बारे में कुछ बताएं। रूम का गंदे रूम का ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा रहा। एक्सट्रीम था हमारे लिए पर हो गया, और बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह थी। उस स्वर्ग से भगवान जी ने वापस कर दिया है कि अभी जाओ और थोड़ा ट्रैक कर लो फिर आना। ये हमारा रूम है गंदा संदा सा, मतलब था तो साफ, हमने गंदा कर दिया है। सामान फैला दिया पूरे में, सामान ही सामान है। बाथरूम भी अच्छा है वैसे इसका, ये सीलिंग है इसकी।